दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए आज की पहली खबर में देखिए, मोकामा सीट से नीलम देवी 16,707 वोटों से जीती चुनाव, इस बार भी आनंद सिंह फैक्टर बरकरार। यह देखिए बड़ी खबर, बिहार उपचुनाव की दोनों सीटों का परिणाम आ चुका है। मोकामा से राजद के प्रत्याशी आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत हुई है। वहीं देखिए मोकामा में 20 राउंड की मतगणना के बाद नीलम देवी 16,577 वोटों से चुनाव जीत चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि नीलम देवी शुरू से ही बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी से आगे रही, जो अंतिम तक बरकरार रखी। वहीं देखिए मोकामा सीट पर सीधे बीजेपी और राजद के बीच लड़ाई थी। यहाँ से राजद ने अपना उम्मीदवार आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी को बनाया था, वहीं बीजेपी ने सुरजबान के भाई की पत्नी सोनम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। आपको बता दें कि इस सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। राजद की नीलम देवी को 79,646 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की सोनम देवी को 62,939 वोट मिले थे। वहीं देखिए नीलम देवी 16,707 वोटों से सोनम देवी से चुनाव जीत गई है। अगली बड़ी खबर में देखिए, गोपालगंज में बीजेपी उम्मीदवार की जीत, कड़े मुकाबले में मोहन गुप्ता हारे। जी देखिए गोपालगंज सीट पर जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली है, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने सीट पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी ने एक बार फिर से सीट पर जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि अंतिम राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद कुसुम देवी ने बढ़त बनाए रखी। कुसुम देवी ने 21,083 वोटों से जीत हासिल की, हालांकि यह लड़ाई बराबर की रही। वहीं देखिए आपको बता दें कि 22 राउंड की मतगणना खत्म होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी को 65,336 वोट मिले, जबकि आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता को 63,943 वोट मिले हैं। वहीं देखिए कई बार पिछड़ने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार ने आखिरकार जीत हासिल कर ली है। बड़ी खबर में देखिए, गोपालगंज के उपचुनाव के रिजल्ट के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, हमारा तो प्रयास था सफल हुआ, पहले 40,000 से हारे थे, अब केवल 1,700 से हारे हैं। जी हां देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार में हुए दो सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि चुनाव में जो हमारा प्रयोग था वह सफल रहा है। उन्होंने कहा कि मोकामा में बड़ी जीत हुई है, गोपालगंज में पहले 40,000 वोट से हारे थे, अब केवल 1,700 वोट से हारे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बीजेपी के वोटर हमारे पक्ष में आ चुके हैं, बीजेपी अब अपने कोर वोटरों के टूटने से परेशान है, अगली बार हम कम से कम 20,000 वोटों से जीत दर्ज करेंगे। तो वहीं देखिए, तेजस्वी के मामी इंदिरा और ओवैसी ने डुबई आरजेडी के नैया, गोपालगंज में बीजेपी की जीत के बड़े कारण। जी देखिए, बीजेपी को गोपालगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी को बीजेपी से करीबी मुकाबले में हार मिली है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को महज 1,790 वोटों से हराया है। महागठबंधन में शामिल जेडीयू कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के समर्थन के बावजूद आरजेडी उम्मीदवार की हार होने का मुख्य कारण बीजेपी नहीं बल्कि कोई और है। गोपालगंज में आरजेडी के नैया डुबोने वाले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव और असदुद्दीन ओवैसी रहे हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज में आरजेडी की हार का प्रमुख कारण डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा देवी रही है। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी इंदिरा ने महागठबंधन के वोट बैंक में सेंग लगाई और 8,800 से ज्यादा वोट काटे। वहीं इस वजह से आरजेडी को बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर में देखिए, मोकामा से अगला चुनाव भी ललन सिंह की बीबी लड़ेगी, बीजेपी हार कर बोली, 2025 में 17,000 वोट से जीतेगी सोनम देवी। जी देखिए, बिहार के मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को आरजेडी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार के बावजूद बीजेपी उपचुनाव के नतीजे से खुश है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि मोकामा में बीजेपी पिछले दो दशकों में पहली बार चुनाव लड़ी और शानदार प्रदर्शन रहा। साथ ही देखिए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में भी बीजेपी ने मोकामा से मौजूदा उम्मीदवार और बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट देने के संकेत दिए हैं। साथ ही कहा कि आगामी चुनाव में सोनम देवी 17,000 वोटों से जीत दर्ज करेगी। साथ ही देखिए निखिल आनंद ने गोपालगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की विजय को भी बड़ा जीत बताया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार के गिरज जिले में गोपालगंज ने बीजेपी जीती है। उन्होंने कहा कि आरजेडी को तारापुर और कुशेश्वर स्थान जरूर याद आ गया होगा, जब लालू प्रसाद ने हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया था और भी उपचुनाव हार गए थे।
बड़ी खबर में देखिए, 6 राज्यों के 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। 2024 से पहले बैकफुट पर विपक्ष। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में कुल 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दबदबा कायम रहा है। बता दें कि बीजेपी ने 7 में से 4 सीटों पर दर्ज की है, जबकि 1 शिवसेना, 1 राजद और 1 सीट टीआरएस के खाते में गई है। वहीं देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत से विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आगे बड़ी खबर में देखिए, बिहार उपचुनाव परिणाम पर बीजेपी का बड़ा बयान, कहा सरकार और महागठबंधन की हार, छोटे सरकार की पर्सनल जीत। जहाँ देखिए, बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम आ गया है। इस बार उपचुनाव बराबरी कर रहा है। इस चुनाव में 1 सीट पर भाजपा ने दर्ज की है तो वहीं 1 बार महागठबंधन ने। वहीं इस उपचुनाव का परिणाम आते ही बिहार विधानसभा और विधान परिषद के नेता विपक्ष विरोधी दल के महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह बराबरी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज हम जीते हैं और मोकामा में बिहार सरकार हार गई है। मोकामा में महागठबंधन हार गया है, वहां छोटे सरकार अनंत सिंह के नीचे जीत हुई है। मोकामा में सरकार चुनाव नहीं जीती है। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि वहां प्रशासनिक दुरुपयोग किया गया, इसके बावजूद भाजपा ने वहां 63,000 वोट पाया है। यह बताता है कि बिहार की जनता अभी भी भाजपा को कितना पसंद करती है। बड़ी खबर में देखिए, तेजस्वी ने किया एशिया के सबसे बड़े पशु मेले का उद्घाटन, 7 दिसंबर तक होगा आयोजन। जहाँ देखिए, बड़ी खबर, रविवार को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय के अलावा सांसद राजीव प्रताप रूडी, बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता के अलावा कई विधायक भी मौजूद रहे। वहीं देखिए, इस उद्घाटन के साथ ही 32 दिवसीय विश्व परिषद सोनपुर मेले का शुभारंभ हो गया है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के उद्घाटन अवसर पर मुख्य सांस्कृतिक पंडाल में उप मुख्यमंत्री व अन्य विशिष्ट अतिथियों को मंच पर पुष्प गुच्छ स्मृति चिन्ह व साल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही देखिए, सोनपुर पशु मेले का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निसारण जिला प्रशासन द्वारा निर्मित मेला ऐप का भी लोकार्पण किया। बता दें कि इससे पहले इस मेले का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले थे, लेकिन पिछले दिनों पैर और शरीर के अन्य जगहों पर लगे चोट के कारण वह नहीं कर सके। बड़ी खबर में देखिए, जिम्बाब्वे पर भारत की जीत, इंग्लैंड से होगा सेमीफाइनल मैच। जी देखिए, बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रन से हरा दिया है, जिसके बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 10 नवंबर को एडिलेड में अपना मैच खेलेगी। बड़ी खबर में देखिए, 2023 बोर्ड परीक्षा को लेकर BSEB ने जारी किया डमी एडमिट कार्ड, सुधार का लास्ट डेट भी जारी। जी हां देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2023 बोर्ड परीक्षाओं को लेकर डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में स्टूडेंट बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com में विजिट करके डमी एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट आगामी 18 नवंबर तक किसी तरह के सुधार करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से डमी एडमिट कार्ड जारी करके कहा गया कि डमी एडमिट कार्ड में सुधार करने के स्टूडेंट को अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि लास्ट डेट के बाद किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे में बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट को सलाह दिया गया कि स्टूडेंट लास्ट डेट का इंतजार ना करे। बोर्ड ने बताया कि डमी एडमिट कार्ड में किसी स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम या अन्य जानकारी गलत हो तो उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है। ऐसे में स्टूडेंट डमी एडमिट कार्ड चेक करके जरूर बदलाव करवा ले। बड़ी खबर में देखिए, कोडनी विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे मुकेश सहनी, 16 नवंबर को करेंगे नामांकन। यहाँ देखिए, बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के साथ अब कोडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कोडनी विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी ने पहले ही दावा ठोक दिया था, अब उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक 16 नवंबर को मुकेश सहनी कोडनी सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि आने वाले 3 से 4 दिनों के भीतर चुनावी रणनीति तय कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कोडनी उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 16 नवंबर को भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, बिहार में सरसों तेल के साथ रिफाइंड के दाम बढ़े, घरेलू बजट पर पड़ेगा खासा असर। जी देखिए, खाद्य तेल मंडी में उबाल आ गया है। उम्मीद थी कि त्योहार की मांग पूरी करने के बाद भाव नीचे आएंगे, लेकिन इसके उल्टे सरसों तेल, सोया रिफाइंड और पाम रिफाइंड की कीमत बढ़ गई है। वहीं देखिए, सर्वाधिक तेजी पाम रिफाइंड में है, इसकी कीमत में 15 रुपए प्रति लीटर की तेजी आई है। अन्य खाद्य तेल 10 रुपए प्रति लीटर महंगे हुए हैं, इससे घरेलू बजट पर खासा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि पहले सरसों तेल का भाव 150 से 175 रुपए लीटर था, यह बढ़कर 160 रुपए से 185 रुपए लीटर हो गया। वहीं सोया रिफाइंड का भाव 140 से 150 रुपए लीटर था, जो बढ़कर 150 से 160 रुपए लीटर हो गया है।
वहीं पाम रिफाइंड का भाव ज़्यादा बढ़ा है। इसका भाव 105 रुपये लीटर था जो अब 120 रुपये लीटर हो गया है। इसकी कीमत 15 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में शारीरिक शिक्षकों के 6000 पदों पर जल्द होगी भर्ती तैयारी शुरू। जी हां देखिए, बिहार के 8386 मध्य विद्यालयों में से तकरीबन 6000 स्कूलों में खाली एक एक शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के पदों पर बहाली होगी। वहीं देखिए, इसके लिए शिक्षा विभाग को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय नए सिरे से जल्द आवेदन मांगेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सोमवार 7 नवंबर तक रिक्त रह गए पदों की रिपोर्ट मांगी है। वहीं देखिए, जिलों को रिक्ति का ब्यौरा नियोजन इकाई वार एवं कोटिवार देना होगा। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में 48 लाख बच्चे योजनाओं के लाभ से हो सकते हैं वंचित। जी हां देखिए, राज्य के सरकारी व सरकार संपोषित स्कूलों की पहली से बारहवीं कक्षा के 48 लाख बच्चों के सरकार कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। ये वैसे बच्चे हैं जो स्कूल में नामांकित है तो लेकिन मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर इनकी डाटा एंट्री विद्यालय से नहीं हो पाई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि 4 दिनों के अंदर इन बच्चों की मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर डाटा एंट्री की रिपोर्ट भेजी। आपको बता दें कि मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर मात्र 1,88,86,000 के ही एंट्री हुई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि इस परिस्थिति में लगभग 48 लाख बच्चे सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए 8 नवंबर तक सभी नामांकित एवं पंजीकृत बच्चों की डाटा एंट्री कराते हुए विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। बड़ी खबर में देखिए, दाखिल खारिज में अब नहीं होगी मनमानी, क्रमवार होगा निपटारा। जी देखिए, बड़ी खबर है, ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामलों में अंचल कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी। इस बार अंकुश लगाने के लिए जल्द ही फीफो लागू होगा। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले आओ पहले पाओ, यह व्यवस्था लागू करने के बाद म्यूटेशन के जो आवेदन पहले आएंगे उसका निपटारा पहले करना अंचल कर्मियों के लिए अनिवार्य होगा। वहीं देखिए, इससे अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे अंचल कर्मी म्यूटेशन के मामलों में पिक एंड चूज कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मॉडल रूप में फीफो को शुरुआत में हाजीपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, सिवान और नवादा के कुछ अंचलों में लागू करने की संभावना पर विचार किया गया है। उससे प्राप्त इनपुट के आधार पर इसे पूरे बिहार में सभी 534 अंचलों पर लागू किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, पेंशन योजना के लिए 15,000 वेतन की समय सीमा खत्म। जी देखिए, बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए वर्ष 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना की वैधता को बरकरार रखा है। हालांकि अदालत ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपए मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है। देखिए, इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। साथ ही आपको बता दें कि वर्ष 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपए प्रति महीने तय की थी। संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपए थी। वहीं देखिए, मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धोलिया की पीठ ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 2014 के प्रावधान कानून और वैध है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है उन्हें 6 महीने के भीतर ऐसा करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।